केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आरोप, शाहीन बाग में प्रदर्शन के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग। एक क्लॉज नहीं बताया गया कि हमको इस क्लॉज से आपत्ति है, एक धारा नहीं बताई गई। बार बार हम कहते हैं बताओ तुम्हें किस धारा से आपत्ति है। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों पर बरसे रविशंकर प्रसाद का, धरने के चलते ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं ना मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस के लोग कान खोलकर सुन ले, अब देश का कोई बंटवारा नहीं होने देंगे। सीएए के खिलाफ विरोध को रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी का विरोध बताया। साक्षी महाराज ने कहा सीएए से संविधान की आत्मा और मजबूत हुई। लगता है यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है तो सुरसा की तरह आबादी बढ़ती कैसे चली जा रही है, अब 9 करोड़ से 32 करोड़ कैसे हो गए। नसरुद्दीन शाह को साक्षी महाराज ने दी सीख, मुसलमान हिंदुस्तान से ज्यादा सम्मानित, सुरक्षित कहीं नहीं, जहां डर लगता है तो मुसलमान सीरिया या अरब की शरण में जाते हैं। बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पटना के पीएमसीएच में कोरोना वायरस की संदिग्ध मरीज, चीन से छपरा लौटी लड़की में बीमारी के लक्षण दिखने पर आईसीयू में भर्ती। एनपीआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस, लेकिन कोर्ट ने एनपीआर पर रोक लगाने से किया इनकार। दया याचिका खारिज होने के खिलाफ निर्भया के दोषी मुकेश सिंह पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मामले की जल्द सुनवाई के लिए तैयार। निकाह हलाला और बहुविवाह पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अर्जी, बैन हटाने की मांग की। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा बेरोजगारी बड़े बड़े नामों और विज्ञापनों का नतीजा। एयर इंडिया बेचने की उड़ान ने पकड़ी रफ्तार, 100% हिस्सेदारी की खरीद के लिए जारी किए टेंडर। अरविंद केजरीवाल का धुआंधार चुनाव प्रचार, नरेला में किया रोड शो। नरेला के बाद बवाना में भी केजरीवाल ने किया रोड शो, लोगों से अपने काम के बदले वोट मांगे। गृहमंत्री अमित शाह की आज दिल्ली में रैली, बुद्धविहार रिठाला में लोगों को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सदर बाजार में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, विजय गोयल ने की पदयात्रा। गृहमंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा की चुनावी रैली में उनके सामने सीए के खिलाफ नारेबाजी करने वाले युवक को भीड़ ने जमकर की पिटाई। नजर पड़ते ही अमित शाह ने भीड़ को हमले से रोका। अरे भाई ए, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, अरे ले लो इसको, सिक्योरिटी वाले ले जाओ इसको। अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा केजरीवाल राहुल और इमरान खान की भाषा एक जैसी। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर किया पलटवार, बोले केंद्र सरकार नीतियों की वजह से बढ़ी महंगाई। लोगों ने मिलके अपने स्कूल अस्पताल बिजली पानी ठीक किए हैं, लेकिन अमित शाह जी रोज आते हैं। और दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों का मुद्दा। नड्डा का आरोप, देश विरोधियों पर केजरीवाल सरकार ने केस चलाने की अनुमति नहीं दी। केजरीवाल के प्रचार कैंपेन से जुड़े प्रशांत किशोर का ट्वीट, 8 फरवरी को दिल्ली में ईवीएम का बटन तो प्यार से ही दबेगा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने अदनान सामी को पद्मश्री देने पर उठाए सवाल। पद्मश्री पाने वाले झारखंड के लोक गायक मधु मंसूरी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल। पाकिस्तान में फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, एक हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन बदला धर। सिंध प्रांत में लड़की की उसी की शादी समारोह से किया गया अगवा, पुलिस की मौजूदगी में हुई संगीन वारदात। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही उपद्रवियों ने तोड़ा मंदिर, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने इमरान से की तुरंत एक्शन की मांग। कश्मीर में इंटरनेट सेवा एक बार फिर बहाल, लेकिन सुस्त रफ्तार से जनता खुश नहीं। जम्मू कश्मीर में 25 जनवरी को 5 महीने बाद बहाल हुई थी इंटरनेट सेवा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का विरोधियों पर एक और वीडियो वार, लिखा नापाक शर्जील के बाद इनको सुनिए। कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम भरोसा कर सकते हैं। कहता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था, पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था, पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, सीएए लागू होना जिन्ना के विचारों की जीत। अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा के साथ सपा ऑफिस में लोगों को किया संबोधित। जहरीली जुबान बोलने वाले शर्जील इमाम का नया भड़काऊ बयान आया सामने, जामिया में धर्म के नाम पर प्रदर्शन के लिए उकसाया।
छोड़ो भाई, आरजू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं प्रदेश जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं। एएमयू में दिए बयान को लेकर शर्जील इमाम की तलाश में जहानाबाद पहुंची पुलिस, चचेरे भाई समेत 3 लोग हिरासत में। शर्जील के परिवार वालों ने किया उसका बचाव, बोले नागरिकता कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना उसका अधिकार। नोएडा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता ने शर्जील इमाम का सिर कलम करने की धमकी दी। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने वीसी को दिखाए काले झंडे, गो बैक के लगाए नारे। प्रॉक्टोरियल टीम और पुलिस ने एक छात्र को पकड़ा। जबलपुर में नागरिकता कानून के समर्थक और विरोधी आमने सामने। झड़प को देखते हुए पुलिस ने संभाला मोर्चा, दागे आंसू गैस के गोले। हैदराबाद में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के सदर बाजार में नागरिकता कानून के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। निजामुद्दीन इलाके में भी हजारों लोग सड़क पर उतरे। पूर्वी दिल्ली के ताज एनक्लेव में प्रदर्शनकारियों ने निकाला कैंडल मार्च। संगरूर में भी प्रदर्शनकारियों ने निकाला कैंडल मार्च। प्रयागराज में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप। मुंबई में मोरलैंड रोड पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन। मेरठ में लोगों ने एनआरसी के शक में पोलियो की दवा पिलाने गई टीम को बनाया बंदर, पुलिस ने पहुंचकर बंदरों को छुड़ाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। पीलीभीत में 26 जनवरी को मदरसे में रहे राष्ट्रीय गान को मुस्लिम नेता ने बीच में रुकवाया। तमिलनाडु के श्रीरंगम में सौतेला पिता ने नाबालिग बेटी का किया यौन शोषण। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान का रोड शो, बिना हेलमेट के कई समर्थकों ने दौड़ाई बाइक। नागपुर में मेट्रो के फेज 1 का उद्घाटन। हावड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा का भारत माता पूजा कार्यक्रम, गोलीबारी इलाके में पुलिस से झड़प। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में भिड़ंत। उत्तरी 24 परगना के काकीनाड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर पर बम से हमला। पंजाब, राजस्थान और केरल की राह पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार आज लाएगी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के संबलगढ़ से शुरू करेंगे गंगा यात्रा। बलिया के दुबे छपरा से राज्यपाल आनंदीबेन करेंगी दूसरी गंगा यात्रा का आगाज। गंगा यात्रा में 10 केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहेंगे मौजूद। आरजेडी विधायक और तेज प्रताप यादव के ससुर ने की नीतीश कुमार की तारीफ। राजस्थान में चीन से एमबीबीएस कर आए एक शख्स के कोरोना वायरस से प्रभावित होने की आशंका। कोयंबटूर में ट्रक से कुचलकर महिला की मौत। ओडिशा के मलकानगिरी में विकास कार्य रोके जाने से नक्सलियों और गांव वालों के बीच हुई झड़प। नक्सलियों के आगजनी करने पर भड़के ग्रामीण, मारे गए नक्सली में एक था 4 लाख का इनामी। रेवाड़ी में बीए की छात्रा से गैंगरेप, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यमुनानगर से चंडीगढ़ जा रही पंजाब रोडवेज की बस बेकाबू होकर गड्ढे में उतरी, 16 यात्री घायल। रामपुर में मुठभेड़ में 3 छात्र बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाशों पर था 25,000 का इनाम। यूपी के रामपुर में कुएं में मिले 2 शव, कई दिनों से लापता थे दोनों। गुदड़ी की हत्याकांड में 15 आरोपियों को भेजा गया जेल। हावड़ा में रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली।